नमस्कार, मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका चैनल टेली खजाना में। चाहे अब आदि पुरुष में कितने भी VFX शॉट्स डाल दिए जाएं, कितने ही उसको रीशूट किया जाए, लेकिन महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने खा ली है एक सौगंध। बीजेपी नेता राम कदम कहते हैं कि अब हम बताएंगे कि हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाना क्या होगा। स्वागत है चैनल डेली खजाना में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है धनाधन तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि आदि पुरुष ने एक तरीके की रोष की लहर सोशल मीडिया पे लेकर आ दी है। आदि पुरुष वो फिल्म जिसमें प्रभास हैं, सैफ अली खान हैं, सनी सिंह है और कृति सैनन है, और ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए रेडी हो रही है, जो कि जनवरी 2023 में रिलीज होगी। अब पता नहीं उस दिन एग्जैक्टली होगी या नहीं होगी, क्योंकि इंटरनल खबरें आ रही हैं कि पूरा प्लान चेंज कर दिया गया है आदि पुरुष के रिलीज को लेकर। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा अपडेट एक सामने आ रहा है कि मिस्टर राम कदम, जो कि बीजेपी नेता हैं, लीडर हैं, उन्होंने बात बोल दी है कि भाई हमारी अगर तुम हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओगे, हमारे अगर धर्म के साथ छेड़खानी करोगे, तो हम तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं, फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बोल डाली है साफ तौर पे राम कदम जी ने कि महाराष्ट्र में हम लोग फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे। राम कदम जी ने जो जो बातें पास में बोली हैं वो करके दिखाया है। अगर इन लोगों ने चीजें नहीं बदली, अगर इन लोगों ने रावण को अलाउद्दीन खिलजी बनाना नहीं छोड़ा, या फिर हनुमान जी को एक खिलजी या फिर अलाउद्दीन इस तरीके का किरदार निभाना नहीं छोड़ा, तो आपको लिख कर देता हूं फिल्म जो है बुरी तरीके से महाराष्ट्र में बैन की जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या है कहना है इस बारे में जरूर बताएं। बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें टेली खजाना।